तमिलनाडु सरकार ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए उन स्टूडेंट के लिए 7.5% कोटा के प्रावधान को मंजूरी दे दी है जिन स्टूडेंट ने तमिलनाडु के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से स्टडी की है, यानी कि जो कैटेगरी वाइज कोटा है उनमें 7.5% सीट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से स्टडी किए हुए स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहेंगी। मतलब कि कोटा में भी और कोटा होगा। ये कोटा सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लागू रहेगा, लेकिन इस कोटा के लिए वही स्टूडेंट एप्लीकेबल हैं जिन्होंने नीट क्लियर किया है। यानी कि जिन यूजी कोर्सेज में तमिलनाडु स्टेट में एडमिशन नीट के थ्रू होता है उन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये कोटा लागू रहेगा। ये सभी 85% स्टेट कोटा सीट के लिए ही है। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु स्टेट में 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3,650 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स हैं। इनमें 540 ऑल इंडिया कोटा की सीट रिजर्व हैं और 3,110 स्टेट कोटा की सीटें हैं। इसके अलावा 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 2,100 प्राइवेट एमबीबीएस की सीटें हैं। गवर्नमेंट स्टेट कोटा की 85% सीट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 100% सीट पर ये 7.5% कोटा एप्लीकेबल रहेगा। इसमें सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के उन स्टूडेंट को फायदा होगा जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और जिन्होंने तमिलनाडु स्टेट की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से स्टडी की है। प्राइवेट स्कूल से स्टडी किए हुए स्टूडेंट के लिए लागू नहीं होगा। उनकी मेरिट हर कैटेगरी में कम रहेगी जिनको ये कोटा मिलेगा 7.5%। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा, क्योंकि ये न्यूज़ तो सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के स्टूडेंट के लिए थी, मगर काफ़ी सारे अदर स्टूडेंट को भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। तो नीट रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।